अमल की कबूलियत के लिए एक अहम तरीन बात यह है कि हमारा अमल इमाम के अमल के साथ मिल जाए, तो वो यकीनन कबूल है। तो उलमा इसकी मिसाल यूँ देते हैं कि जब नमाज़ अव्वल वक्त हो तो हज़रत हुज्जत यकीनन नमाज में मशगूल हैं, और अगर आप भी उस वक्त नमाज़ पढ़ रहे हो तो उस वक्त आपकी नमाज़ हज़रत हुज्जत की नमाज़ के साथ अल्लाह सुब्हानहु तआला की बारगाह में बुलंद हो रही है। तो आपने अपने अमल को जोड़ दिया इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के अमल से। तो होता यह है कि जब फ्रूट्स वगैरह लेते हैं ना, तो कभी आप होता है कहते हैं एक 1 kg 2 kg, तो उसमें आप सेलेक्ट करते हैं, एक थोड़ा थोड़ा देखते हैं, उसके बाद जो अच्छा होता है उसे लेते हैं, बाकी जो आपको पसंद ना आए उस पीस को छोड़ देते हैं। सही है, मैंगो है, टोमेटो है, कुछ भी है। कभी एक होता है कि आप पूरा कार्टन लेते हैं उसका, उसमें पूरा चेक नहीं होता, उसमें ये होता है कि बस ठीक है, अच्छा है ऊपर से, और उसमें एक दो ख़राब भी आ जाते हैं। तो जब अच्छों के साथ मिलकर इबादत जाती है ना, तो ख़राब लोगों की इबादत भी पहुंच जाती है। ये बात समझ में आई? एक मिलकर और सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, इसलिए इज्तिमा की इतनी अहमियत है, इसलिए मसल नमाज जमात की इतनी अहमियत है, इसलिए 40 मोमिनीन के साथ दुआ मांगने की इतनी अहमियत है। कि अगर 40 मोमिनीन के साथ मिलकर आप दुआ मांग रहे हैं तो उनमें से कोई ना कोई ऐसा अच्छा है कि जिसकी वजह से बहुत सौ की दुआ कबूल हो रही है। उसमें अलग अलग नहीं चेक हो रहा, उसमें एक साथ जा रहा है सब। ये खुद हमें एक इज्तिमाइयत की तरफ भी लेकर आता है।